प्रदेश में नगर निगम के चुनाव नवंबर माह में होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जिलों में राजनीतिक समीकरण बनाने में जुट गई हैं। ऐसे में मऊ जिले में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर MLC रामजतन राजभर सहित कई पार्टी नेताओं ने बैठक की और 5 सितंबर को पार्टी का एक सम्मेलन बुलाया है, जिसमें नगर पालिका के चुनाव के लिए तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि सपाइयों ने अभी से ही नगर पालिका का किला फतह करने के लिए अपनी कमर कस ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार जो है 5 तारीख को जिला सम्मेलन रखा गया है, जिसके लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण सक्रिय सदस्यगण के साथ सम्मेलन होना है और सम्मेलन में 3-4 मुद्दों पे चर्चा होनी है। जिला नगर पालिका के चुनाव और ट्रेंटन संगठनों पे वार्ता होनी है। वहीं MLC रामजतन ने केंद्र में BJP सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल पर हमला बोलते हुए कहा कि BJP सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और सरकार जनता की सुरक्षा तक नहीं कर पा रही है। ऐसे में मोदी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। सरकार की जो गतिविधि है, कार्य करने की जो शैली है, आम जनता, आम लोग इस बात को जान गए हैं। गतिविधि ठीक नहीं है, आज जब काम करने की शैली जिसकी अच्छी नहीं होती है, गतिविधि ठीक नहीं होती है। आम जनमानस के लिए काम जब अच्छा नहीं होता है तो उसमें अब सरकार का किरकिरी हो रही है, इसलिए बचने के लिए कुछ नहीं तो कुछ लोग कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में हार के बाद सपा के लिए निगम चुनाव अहम है, क्योंकि निगम चुनावों में अगर सपा को जीत मिलती है तो ये जीत 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा के लिए संजीवनी का काम करेगी। मऊ से न्यूज़ आई के लिए जाहिद इमाम की रिपोर्ट।